हमारे देश में एज पर द हेल्थ एक्सपर्ट्स लगभग 50 लाख केसेस ऑफ टाइफॉइड रजिस्टर होते हैं एवरी ईयर। दैट्स रियली स्केरी राइट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एंडेमिक फॉर आवर कंट्री। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड अगर टाइफॉइड हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। टाइफॉइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन गाइस, इट्स जस्ट नॉट अ नॉर्मल फीवर, बट ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, और अगर इसका ठीक से ट्रीटमेंट ना करा जाए देन इट कैन बी रियली रियली फेटल। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। वाई? बिकॉज बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है इट्स स्टिल इन डेवलपिंग मोड, उनका प्रॉपर इम्यून सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं पता होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। दैट्स वाई टाइफॉइड ज़्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए। एंड एक और डेंजरस चीज़ ऑफ टाइफॉइड फीवर इज इट्स कंटेजियस, मतलब अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ आई कैन ईजिली इन्फेक्ट यू और एनीबडी इन द रूम एंड वाइस वर्सा। टाइफॉइड होने का मेन रीज़न है कंटैमिनेशन गाइस, मतलब कहीं पे भी गंदा पानी या गंदा खाना, इससे आता है। एंड दैट्स व्हेन हमारे जो बच्चे होते हैं वहीं पे चूक जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू अवॉइड। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू डू, इनफैक्ट यू योरसेल्फ ऑल्सो प्रैक्टिस, बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड स्पेशली जहाँ पे थोड़ी गंदगी आपको दिख रही है विजिबली, प्लीज़ वहाँ पे मत खाइए, बिकॉज हम नहीं जानते हैं उस खाने में किस तरीके का पानी यूज़ हो रहा है। पॉप्सिकल्स, आइस कैंडीज या कुल्फी, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ वाटर हैज़ गॉन इनटू इट। सो प्लीज़ इंश्योर करिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। टाइफॉइड का मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर गाइज, मतलब इतना हाई फीवर कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हाउ टू कंट्रोल इट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट अगर हम टेस्ट भी करवाएं, आप अगर टाइफॉइड टेस्ट भी करवाएंगे इन द फर्स्ट 24-48 आवर्स में ये डिटेक्ट नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम हाई फीवर, फटीग फील करना, हेडेक, नोशिया, डायरिया, ब्लोटेड फील करना, पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना। बेसिकली ये बैक्टीरिया करता क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये अटैक करता है एंड इट किल्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है क्लीनलीनेस का, क्लीन वाटर, फिल्टर्ड वाटर एंड नो आउटसाइड फूड। नेक्स्ट अप गाइस, अगर हमें या हमारे बच्चे को, किसी को भी टाइफॉइड है, हमें ये इंश्योर करना है कि हम थोड़ा सा आइसोलेट करें बच्चे को या अपने आप को। सेम खाना ना खाएं, सेम प्लेट में ना खाएं, कोशिश करें कि हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। डाइपर्स या अनवॉश्ड यूटेंसिल्स या टॉवल्स या बेडशीट, वी नीड टू एंश्योर दैट वी कीप चेंजिंग दैम। आई नो आपको सुनने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा ये कि अगर मेरे बच्चे को टाइफॉइड है मैं उसको अलग कर दूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप अलग कर दीजिए, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट एंश्योर करिए कि बाकी मेम्बर्स को ये नहीं हो जाए बिकॉज इट्स वेरी कंटेजियस। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो नाउ खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए? एनी रॉ फूड गाइड्स, मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हम रॉ खाते हैं, लाइक गाजर खा लिया या खीरा खा लिया या एप्पल खा लिया। नो गाइज, हमें ये इंश्योर करना है अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो प्रॉपरली पील्ड हो, उसका स्किन निकला हो और फिर खाएं। एंड सेम गोज विथ एनी वेजिटेबल, मतलब कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल रॉ फॉर्म में मत खाइए। ऐसा करने से देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा टाइफॉइड और एग्रीवेट हो जाए, बिकॉज मैंने आपको बताया इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो किसी गंदे पानी से ही धोके हमारे घर तक आए हैं एंड देन हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लें। सेकेंड फूड टू अवॉइड इज़ एनी स्पाइसी एंड ऑयली फूड। इस टाइम हमें ऑल द मोर इंश्योर करना है गाइज कि हम अननेसेसरीली स्पाइसेस ना ऐड करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी तरीके का सॉस या टोमेटो प्यूरी या ड्रेसिंग या एनीथिंग या टू मच ऑफ ऑयल हमारे खाने में ना ऐड हो, बिकॉज इन सब के खाने से हमारा इंटेस्टाइन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, राइट? सो प्लीज़ इंश्योर करिए नो एक्स्ट्रा ऑयल, नो एक्स्ट्रा स्पाइसेस एट ऑल। थर्ड थिंग, प्लीज़ अवॉइड वो सारी वेजिटेबल्स जिससे हमें एक्सेस गैस होती है, लाइक गोभी, मूली, गाजर, cabbage, because in some vegetables में एक type का sugar होता है which is called raffinose, और ये raffinose करता क्या है, हमारे body में excess gas create करता है। And again, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें गैस हो रही है, अगर हम एसिडिटी फील कर रहे हैं, इट्स गोना एग्रीवेट द इन्फ्लेमेशन इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये सारे वेजिटेबल्स प्लीज़ मत खाइए इस टाइम। द नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज़, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है आपको, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ यूज़ करते हैं हर खाने में, दैट इज़ प्याज एंड गार्लिक। इन दोनों को भी अवॉइड करना है बिकॉज इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, एंड ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स जो होते हैं हमारे स्टमक को इन्फ्लेमेट करते हैं। और अगर खाना ही है सो ट्राई एंड ऐड एज मिनिमल एज पॉसिबल, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा प्लीज़ डोंट यूज़ इट फॉर एटलीस्ट अ वीक और 10 डेज। सो अब मैं आपको बताता हूँ हमें खाना क्या चाहिए इंस्टेड। सो अनलाइक इन माई अदर वीडियोज़ जहाँ मैं बोलता हूँ कि रिफाइंड कार्ब्स मत खाइए, रॉ फूड ज़्यादा खाइए, फाइबर रिच खाना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन दिस केस हमें एग्जैक्टली उल्टा करना है। बिकॉज जब हमें टाइफॉइड होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारा सबसे पहले जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम किल कर देता है। सो अगर हम फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाएंगे या रॉ फूड ज़्यादा खाएंगे, उससे इट्स गोइंग टू स्पॉइल इट ऑल द मोर। सो गाइज, इस टाइम एनीथिंग रिफाइंड कार्ब्स इज एब्सोल्युटली वेलकम, अनलाइक अदर टाइम्स, बिकॉज हमें सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योर करना है। सो रिफाइंड कार्ब्स खाइए इस टाइम, पास्ता हो, चाहे वो बॉइल्ड राइस हो, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, बनाना, बॉइल्ड पोटैटो, एनीथिंग। सो एनीथिंग विच इज़ हाई इन कैलोरी, बट एट द सेम टाइम मेरा मतलब ये नहीं है हाई कैलोरी फूड से कि आप बाहर का खाना शुरू कर दें। आपको घर का ही जो हाई कैलोरी फूड है वो खाइए। द नेक्स्ट अप इज़ एनी फूड गाइस जिसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, like soybean, seeds, nuts, fish, egg, all of that, जिसमें भी ज़्यादा omega 3 फैटी एसिड हो वो खाना खाइए, because ये हेल्प करता है to cure the inflammation in our stomach और recovery भी ज़्यादा जल्दी होगी। So ensure करिए जो भी खाने में ज़्यादा omega 3 फैटी एसिड हो, please consume them. To recover from typhoid fever and this bacterial infection, एनी डेयरी प्रोडक्ट्स प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल, बट प्लीज इंश्योर करिए जब दूध पी रहे हैं दैट हैज़ टू बी पैस्चराइज्ड। नॉर्मल काउ मिल्क या बफेलो मिल्क मत लीजिए, इट हैज़ टू बी पैस्चराइज्ड मिल्क। और अगर दूध से प्रॉब्लम हो रही है देन छाछ या दही बहुत सारा पीजिए, इट वुड हेल्प यू टू रिकवर फास्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, लॉट ऑफ वाटर। बस ये इंश्योर करिए कि पानी, क्योंकि the main reason of typhoid is the contamination of water, पानी बिल्कुल अच्छा filtered हो। if आप sure नहीं हो रहे उसको boil करके पिलाइए या पीजिए। coconut water, any juice, anything which is in the form of liquid, because हमारी body बहुत ज़्यादा dehydrate हो जाती है during this typhoid fever. In fact, fruits like watermelon, muskmelon, grapes, apricot, all of that, इनमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है। सो अगर भूख नहीं लग रही है, इंश्योर करिए एटलीस्ट इन सब फ्रूट्स का इंटेक कर लें, जिससे कि दोनों चीज़ें होंगी, हमारा पेट भी भरेगा और फ्लूइड इंटेक भी प्रॉपर होगा हमारी बॉडी में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट गाइस, ये जो भी मैंने आपको अभी खाना बताया, जो भी मैंने डाइट बताई, दिस इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम टाइफॉइड। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, ओके। आपको अगर टाइफॉइड के कोई भी सिम्टम्स हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, सी अ डॉक्टर। एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे बिकॉज दैट्स वन थिंग विच शुड बी टेकन इमीडिएटली। इसको बहुत सीरियसली, बहुत इमीडिएटली ट्रीट करने की कोशिश करिए, एंड देन इन खानों पर स्टिक रहिए फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव बैक टू द रेगुलर डाइट, जो कि फाइबर रिच होता है, जिसमें रिफाइंड कार्ब्स कम होते हैं, फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो ज़्यादा खाने चाहिए, बट स्लोली मूव बैक करिए। डोंट स्टिक टू दिस टाइफॉइड डाइट फॉर एवर, बिकॉज इसके अदर कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे फिर। सो द आइडिया इज, सबसे पहले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योर करते हैं, एंड देन स्लोली वी विल मूव बैक टू आर गुड ईटिंग हैबिट्स। और इसी के साथ साथ प्लीज़ इंश्योर करें हमारे जो बेसिक हैबिट्स ऑफ हैंड वॉशिंग वो ज़रूर होए। जिस तरह से हम कोविड में ध्यान रख रहे थे, टाइफॉइड के टाइम पे भी हमें एग्जैक्टली द सेम वे वी नीड टू इंश्योर दैट एवरी टाइम वी ईट आवर फूड, उससे पहले हम अपने हाथ धो रहे हैं, हम अच्छे से अपना मुँह धो रहे हैं, पानी हम हमेशा क्लीन पी रहे हैं, एंड कुछ भी हम बाहर से उठा के बिना वॉश करे नहीं खा रहे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी तक भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है। हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय फॉर नाउ।